नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम एजुकेशन इनसाइड। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन वर्क करना सही होता है या नहीं, क्या ऑनलाइन वर्क करने से नुकसान हो सकता है। आइए, इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। दर्शकों, इंटरनेट के आ जाने से हमारे कई काम आसान हो गए हैं। इंटरनेट के जरिए बड़े काम भी कम समय में आसानी से हो सकते हैं। दर्शकों, पर ज़्यादातर लोग ऑफिस जाने की बजाय घर पर ऑनलाइन वर्क करना पसंद करते हैं और बहुत से तो ऑनलाइन वर्क करके लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। जानते हैं ऑनलाइन वर्क के फ़ायदे। ऑनलाइन वर्क करने से हमें बॉस के लेक्चर नहीं सुनने पड़ते, काम का ज़्यादा टेंशन नहीं होता और अपनी सुविधा के अनुसार हम काम कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्क करने से क्या नुकसान हो सकता है, जानते हैं। दर्शकों, ऑनलाइन वर्क करने से हम सभी पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। यदि घर में लाइट नहीं है या फिर वोल्टेज की समस्या है तो आप ऑनलाइन वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसका असर आपकी सैलरी पर भी पड़ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो आप पूरी तरह से इंटरनेट पर आश्रित हो जाते हैं। इंटरनेट का अधिक यूज़ करने से आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी असर होता है, क्योंकि जब भी आपसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछता है तो आप डायरेक्ट इंटरनेट पर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने दिमाग से उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट हैं जहाँ पर आप काम करके ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, लेकिन सभी कंपनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ कंपनियां फ्रॉड होती हैं, वह आपसे काम तो करा लेती हैं लेकिन आपके किए गए काम का पेमेंट नहीं करती, और यदि ऐसा हो जाए तो आपके महीने की मेहनत बेकार हो जाती है और आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इंटरनेट पर काम करने वालों के लिए पैसे ना मिल पाना सबसे बड़ा टेंशन होता है। ऑनलाइन वर्क करने के दौरान आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपने द्वारा किए गए काम का पेमेंट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करना होता है। इस कंडीशन में यदि कोई भी कंपनी फ्रॉड होती है तो वे आपके पर्सनल डिटेल्स को लिखकर उसका मिसयूज़ भी कर सकती है। यदि आप ऑनलाइन वर्क करें तो पूरी जानकारी कंपनी के बारे में ज़रूर लें, तभी ऑनलाइन वर्क करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा मेल के ज़रिए ज़रूर बताएं। एजुकेशन से जुड़ी खबरों के लिए डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।